होम स्टाइल कुकिंग ए सबाइके स्वागत। आमी आजके तैरी करब ट्रेडिशनल बांगाली एकटा रेसिपि जेटार नाम हलो दई कातला। एई रेसिपिटा बनानो खूबी इजी एबं खेतेओ असाधारण हय। ताहले देखी कि करे तैरी करते हय दई कातला। एर जोन्नो आमार जे जे जिनिस लागबे एखाने रयेछे 4 पिस कातला माछ, रयेछे चारमगज बाटा, फेटानो टक दई, पेঁয়াজ बाटा, एखाने रेखेछि आमी आदा रसुन बाटा, काँचा लंका बाटा, सामान्य परिमाण पोस्तो बाटा, नून, गरम मसलार गुड़ो, जिरेर गुड़ो और फोड़नेर जोन्नो रेखेछि दुटो तेजपाता, गोटा जिरे, एलाच, दारचिनी, लवंग, शुकनो लंका और आमी पुरो रान्नाटा करब सर्षेर तेले। परिमाणगुलो आमी डेस्क्रिप्शने दिए रेखेछि। आपनादेर जोदि आमार एई रेसिपि भालो लागे आपनारा लाइक करबेन, शेयर करबेन एबं आमार चैनलके सबस्क्राइब करते एकदमई भुलबेन ना। एबारे आमी कातला माछटा सामान्य परिमाण नुन दिए माछटाके भालोभावे माखिए नेब जाते माछटार भेतरे नुनटा भालोभावे ढुके जाय। आर माछटा धोआर समय जदि आमी सामान्य परिमाण नुन और हालका उष्ण गरम जल दिए धुई ताहले किन्तु माछटार थेके आस्ते गन्धटा पुरोपुरि चले जाबे। एबारे आमी कड़ाते दिए देब बेश खानिकटा सर्षेर तेल। बांगाली रान्नाय सर्षेर तेल स्वादेर मात्राटा आरो बाड़िये तोले, ताई आमी एई रान्नाटा सर्षेर तेले करब। तेलटा जखन गरम हये जाबे तखन ओर मধ্যে आमी ओई मैरिनेट करा माछटा दिये देब। माछटार जखन एकटा पिठ मोटामुटी हये जाबे तखन आमी माछगुलोके उल्टे देब। आर जेहेतु आमी माछटा एकटु मोटा करे केटेछि ताई किन्तु एकटु समय धरे माछगुलोके भाजते हबे। बेशी कड़ा आछे भाजले किन्तु भेतरटा काँचा थेके जाबे, उपर दिये पुड़े जाबे। एबारे आमी माछगुलोके एकटु उल्टे पाल्टे सुंदर करे गोल्डेन ब्राउन करे भेजे नेब। आमी एई बिये बाड़ीते जेरकम आमरा दई कातला खेये थाकि आमी पुरोपुरि ओई स्टाइले एई रान्नाटा करछि। माछटा भाजा हये गेछे। एबारे आमी माछगुलोके आस्ते आस्ते तुले नेब। एबारे कड़ाते आमी आबारो किछुटा सर्षेर तेल दिये देब। तेलटा जखन गरम हये जाबे तखन ओर मধ্যে आमी एके एके फोड़नगुलोके दिये देब। दिये दिलाम दुटो तेजपाता, शुकनो लंका दुटो और दारचिनी, एलाच, लवंग और गोटा जिरे। जखन फोड़नगुलो एकटु ब्राउन कलर हबे तखन ओर मধ্যে आमी पेঁয়াজ बाटाटा दिये देब। आमी एखाने एक कप मतो पेঁয়াज बाटा मिहि करे बेटे नियेछि। एबारे एर मধ্যে सामान्य परिमाण जल दिये देब जेन एटा ना छिटके। एबारे एर मধ্যে आमी काँचा लंका बाटा और आदा रसुन बाटाटाओ एकई साथे दिये एकटु कषबो। एबारे मशलागुलोके भालोभावे मिशिए एकटु कषते थाकबो। जखन एई मशलागुलो एकटु कषे जाबे तखन ओर मধ্যে आमी बादबाकी इंग्रेडिएंट्सगुलो एड करते थाकबो। दिये दिलाम स्वाद अनुयायी नुन दिये भालोभावे मिशिए एकटु कषे नेब। मशलाटा एकटु कषा हये गेछे। एबारे एर मধ্যে दिये देब आमी पोस्तो बाटा। पोस्तोटाके आमी एकटु भिजिए मिहि करे बेटे रेखेछिलाम। एखाने चारमगज आर टक दइयेर थेके परिमाणटा एकटु पोस्तोटार कम हबे। दिये दिलाम चारमगज बाटा। चारमगजटाके आमी 1 घंटा मतो जले भिजिए ओटाके मिहि करे बेटे नियेछि। आर एकई साथे फैटानो टक दइटाओ दिये एटाके भालोभावे मिशिए कषिये नेब। जखन मशलाटा कषे जाबे आमी बुझते पारबो मशलाटार गाये थेके तेल छेड़े आसबे। एते दिये दिलाम जिरेर गुड़ो दिये एबारे समस्त मशलागुलोके एकसाथे सुंदर करे कषिये नेब। मशलाटा कषे गेছে, এর গায়ে থেকে তেল ছেড়ে এসেছে আমি দেখতে পাচ্ছি। এবারে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব 2 কাপ মতো জল। যেহেতু আমি এই দই কাতলার গ্রেভিটা একটু ঘন করব তাই এখানে জলের পরিমাণটা আমি একটু কম ব্যবহার করব। এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে এবারে ঢাকা দিয়ে ঝোলটা ফুটে ওঠার জন্য ঢেকে দেব। झोलटा फुटे उठेছে। এবারে এটাকে একটু নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে আমি ভাজা মাছগুলোকে দিয়ে দেব। একটু নাড়াচাড়া করে নেব যেন মাছটার গায়ে সুন্দর মশলাগুলো আর নুন ঝাল ভালোভাবে ঢুকে যায়। এবারে এটাকে ঢাকা দিয়ে মাছটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য এবং ঝোলটা একটু শুকনো হওয়ার জন্য রেখে দেব। झोलटा घन घन হয়ে গেছে, মাছটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবারে এর মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়ো, দিয়ে এটাকে আবারও ঢাকা দিয়ে ঝোলটা আরেকটু শুকিয়ে নেব। আপনারা এই রেসিপিটা ট্রাই করুন, কেমন হলো আমাকে কমেন্ট করে জানান, এবং আমার এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগলে আপনারা লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। এবারে আপনারা এটাকে গরম ভাতে গরম গরম সার্ভ করুন। দই কাতলা। ভালো খান, সুস্থ থাকুন।